आप सब कैसे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। अगर आप जनरल भाषा में सुनना चाहते हैं तो यार वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाइए और उसके बगल में जो घंटी थे उसे दबाइए, जिससे हमारी नई से नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो यार शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो आज आपको बता रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट यार बात, क्योंकि ये बात आपके लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी है, हमारे सबसे ज़्यादा तो उन लोगों के जो हमारे क्रिकेट टीम इंडिया के फ़ैन हैं। तो यार अगर आपको मैं ये बात बताऊँगा थोड़ा झटका तो लगेगा, लेकिन ये बात तो सच है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे भी आने वाले मैच में। तो यार बात दरअसल ये है कि देखिए हमारी टीम में जैसे कि 11 प्लेयर होते हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड जो इस बार वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें 10 टीम है, और 10 टीम में लगभग टू टू थ्री जो हमारे मतलब की टीम है उनकी जर्सी सेम है यार, जैसे सेम कलर है उनकी, आपने समझ जैसे सेम कलर, जैसे कि इंग्लैंड हुआ और ये अफगानिस्तान हुआ फ्रेंड्स, तो और टीम इंडिया, तीन टीम हो गई और एक आध दो टीम और हैं जो मतलब कि अलग से, जो उनकी जर्सी थोड़ा सेम है फ्रेंड्स। इसलिए इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं, आपको झटका जरा से लगे, क्योंकि हमारी टीम इंडिया तो मेन इन ब्लू ही अच्छी है और ब्लू में ही वो अच्छी लगती है फ्रेंड्स, और ब्लू इसकी पहचान है। तो यार अब हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ICC का सुझाव है और ICC ने वो किया है, तो क्या करें, उसे तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ दरअसल हुआ क्या, मैटर क्या, मैटर ये है यार कि क्या था यार मैटर, ओ भूल गया क्या, नहीं याद है, हाँ तो मैटर ये था यार कि हमारी टीम इंडिया जो है एक नई जर्सी बनेगी। झटका लग गया क्या, नहीं यार झटका नहीं, झटका मत लगाना यार, क्योंकि हमारी इंडिया तो वैसे भी मेन इन ब्लू में ही अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें अब जर्सी बदल गई है तो बदल गई है, अब बस ज़्यादा पूरे मतलब कि आल समय के लिए नहीं, आल टाइम के लिए नहीं, बस हमारे इस इंग्लैंड और शायद अफगानिस्तान और एक आध दो टीम और ऐसी हैं जो नीली जर्सी हैं उनकी, उनके लिए शायद बस। और यार हमें तो मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनका क्यों नहीं बदला गया, हमारा क्यों बदला गया। तो यार जो भी हो ICC ने किया ऐसा, तो ICC अपना सोच समझ के की होगी। तो हमारी जर्सी अब बदल गई यार, और जर्सी कलर जान रहे क्या है, अब तो वीडियो में जो PNG लगाया उसको देख ही चुके होंगे, तो हाँ यार वीडियो में जो PNG लगा वही सच है, क्योंकि अब हमारी टीम इंडिया जर्सी हो जाएगी ऑरेंज या ब्लू में रहेगी और फिर टोटल ऑरेंज रहेगी, तो हमारे आने वाले मैच में दिखाया जाएगा। तो यार दरअसल यही बात है कि ICC ने ये चेंज कर दिया हमारी टीम इंडिया की जर्सी यार, क्योंकि हमारी टीम इंडिया की मैंने ब्लू है जर्सी, और लेकिन मुझे तो यार मैंने ब्लू ही पसंद है, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा कीड़ा हूँ यार, और कीड़ा हूँ, और अगर आपको आप भी अगर क्रिकेट के बहुत बड़े कीड़े हैं तो यार मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर आप पक्ष में हैं या नहीं पक्ष में, तो सबसे पहले हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ यार मैं पक्ष में हूँ या नहीं पक्ष में हूँ, विपक्ष में हूँ। तो यार बस यही बात था, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ से, इंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ से, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यार, मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और हर वीक लाता रहूँगा, हर डे लाता रहूँगा, और जब तक मेरे चैनल के सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ जाते यार, क्योंकि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत ही कम है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, और हमारे बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो यही बात था, टीम इंडिया की जर्सी चेंज हो चुकी है फ्रेंड्स, और हमारी टीम इंडिया की जर्सी हो चुकी है इस समय ऑरेंज, ठीक है ना, अब क्या करें, हमने तो किया नहीं, हम क्यों कुछ, ठीक है वही ऑरेंज हो गई है, तो फिर ऑरेंज हो गई है, तो बस इतना ही कहना था। अगर कोई भी दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हाँ आप ऑरेंज जर्सी को लाइक करते हैं या अनलाइक करते हैं, तो मैं तो अनलाइक करता हूँ, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। अगर आप लाइक करते हैं अनलाइक करते हैं तो मेरे कमेंट को लाइक करिएगा या अनलाइक करिएगा, अगर अनलाइक करते हैं तो अनलाइक, लाइक करते हैं तो लाइक, और अगर आने तो आप खुद कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, आप कमेंट करेंगे ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।